आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सिक्योराई का FGD लॉक, जिसे ग्लास डोर लॉक भी कहते हैं। तो चलिए एक एक पार्ट निकालते हैं और इसको फिक्स करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फिक्स होता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसी होती है। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है जिसे आप पढ़ सकते हो। डिवाइस को अनबॉक्स करके हमने सामने रख लिया है। इसमें कुछ इक्विपमेंट आते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये रिमोट आता है, दो IC कार्ड आते हैं, ये कुछ स्क्रू और फास्टनर आते हैं, डुअल साइड टेप आता है उसको कांच के पल्ले पे चिपकाने के लिए, ये दो फास्टनर होते हैं टाइट करने के लिए, और लॉक होता है ये दो पार्ट में। तो चलिए कैमरा पास में कर देता हूँ और आपको बाकी सारी सेटिंग दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले ये लॉक लेते हैं, पल्ले के एक पार्ट पे ये लगता है, पल्ले के दूसरे पार्ट पे ये लगता है। ये कांच का जो पल्ला होता है इसके अंदर जाता है, दूसरा कांच का पल्ला होता है इसके अंदर, ये फिक्स हो जाता है। इसके अंदर आप फास्टनर कैसे फिट करोगे वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसके लिए आपको ये दो स्क्रू और इधर भी दो स्क्रू हैं, ये ओपन करने पड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा ये लॉक यूज कैसे होता है और इंस्टॉल कैसे होता है। अगर आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो स्पेशल ऑफर के साथ। ये ऐसे निकल जाएगा, आप इसके अंदर देखोगे तो ये जो मैग्नेट होता है ये खींचता है इसके इसके अंदर, ये जो पार्ट होता है इसको इसके अंदर खींचने का काम करता है ये मैग्नेट। जब आप पल्ले को ऐसे डालोगे तो इसको ऊपर से यहाँ से स्क्रू से टाइट करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रू मिला है, इसमें से आप दो स्क्रू लोगे। अगर पल्ला ज़्यादा पतला है तो ये दो फास्टनर दिए हैं, इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे डुअल साइड टेप लगाना है, इस साइड डुअल साइड टेप लगेगा और ये जाके पल्ले पे फिक्स हो जाएगा जो कांच का पल्ला होगा, और दूसरे साइड ये लगेगा आपको। ऐसे इन दोनों के बीच में आपका पल्ला फिक्स होता है, और जैसे जैसे आप इधर से स्क्रू टाइट करते जाओगे, ये जो इससे मैं अभी तक हटा देता हूँ, अभी जैसे ये प्लास्टिक ऐसे फिक्स होगी, तो जैसे जैसे स्क्रू आप टाइट करते जाओगे ये पल्ले को जाम करता जाएगा। ऐसे मैं एक स्क्रू लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर दिखेगा। तो आप जैसे जैसे इस स्क्रू को टाइट करोगे तो ये पल्ला ऐसे यहाँ पे इस फास्टनर पल्ले को जाम करता जाएगा, और जितना भी एडजस्टमेंट होगा वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। ये हो गई एक पार्ट के इंस्टॉलेशन। दूसरे पार्ट में भी सेम करना होता है आपको। इसमें भी आपको यहाँ पे देखिए दो स्क्रू है और इधर तीन स्क्रू है, ये स्क्रू ओपन करने होते हैं, और इसके अंदर भी और भी ये स्क्रू है, वैसे इसको भी जाम करना होता है। इसमें भी आपको ये फास्टनर दिया है जिसको ऐसे लगाओगे, और जैसे जैसे यहाँ से स्क्रू से टाइट करोगे इसे जाम करता जाएगा पल्ले को। इसके लिए भी एक साइड के लिए डुअल साइड टेप है कि कांच के पल्ले पे आपके खरोच ना पड़े, इधर आप इसे आराम से चिपका दोगे। इसको भी आपको एक बार ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो स्पेशल ऑफर के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा ये लॉक यूज कैसे होता है और इंस्टॉल कैसे होता है।
तो अभी सारे स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं, अब इसको आप आराम से ऐसे खोलोगे। इसको आप निकाल के अलग से रख देना आप अलग, कि इस पर कुछ ये टूटे ना ऐसे इंस्टॉलेशन करते समय। अब देखिए इसके बीच में पल्ला आएगा आपका, इस साइड ये फास्टनर लगेगा और फिर ये इधर से देखिए स्क्रू लगाने के ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जैसे स्क्रू टाइट करते जाओगे ये फास्टनर फिक्स करता जाएगा, पल्ले को यहाँ पे जाम कर देगा। तो यहाँ पे स्क्रू लगेगा, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे चार स्क्रू लगाने होंगे। यहाँ पे एक स्क्रू लगाओगे, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे चार स्क्रू से जैसे जैसे ये फास्ट स्क्रू ऐसे टाइट करते जाओगे ये फास्टनर इधर पल्ले को जाम करता जाएगा। ये डुअल साइड टेप लगाना आप मत भूलना इधर, नहीं तो आपके जो पल्ला होगा उस पर खरोच आ सकते हैं। डिवाइस को वापस हमने फिक्स कर लिया है सारे स्क्रू, अब चलिए इसमें बैटरी डालते हैं। बैटरी डालने के लिए यहाँ पे आप पीछे जाओगे, यहाँ पे ये बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ पे आपको चार सेल, ऐसे चार सेल लगेंगे। बैटरी जैसे डालोगे ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। डिवाइस ऑन होने के बाद आपको सबसे पहले डिवाइस को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये बटन प्रेस करके रखना होता है। डिवाइस से रीसेट सक्सेसफुली की आवाज़ आ ये या इनिशियलाइज। चलिए ये बटन प्रेस करके रखते हैं। ये डिवाइस रीसेट हो गया। अब जैसे ही इसका सेकंड पार्ट इसके सामने लाओगे ना, तो इसमें इसका जो लैस है ना वो बाहर निकलेगा और इसमें लॉक हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा गैप बनाते हैं। देखिए ये आया और लॉक हो गया। अब चलिए इसमें मैं आपको एनरोलमेंट बताता हूँ कि फिंगर, पासवर्ड, कार्ड और रिमोट एनरोल कैसे होंगे। इसके लिए आपको स्टार बटन प्रेस करना है, सबसे पहले लाइटिंग ऑन करना है और इसको प्रेस करके होल्ड करना है। ये सारी सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि पासवर्ड एनरोल करना है, कार्ड, फिंगरप्रिंट। तो हम चलते हैं फिंगरप्रिंट पे, हमें एडमिन के लिए फिंगर बनाने हैं। यहाँ पे देखिए थ्री टाइम फिंगर लगाना है आपको। ये एनरोल हो गया। अब जैसे ही हम बाहर आ जाएंगे तो जब भी आप सेटिंग में जाओगे तो ये फिंगर वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे लाइटिंग ऑन कर लिया, अब ये वेरीफाई कर लिया, अब आपको जाना है ऐड यूजर में। ऐड यूजर पे ओके करेंगे, आपको क्या करना है, पासवर्ड एनरोल करना है, कार्ड एनरोल करना है, फिंगरप्रिंट एनरोल करना है। तो सबसे पहले हम एनरोल करते हैं एक पासवर्ड। पासवर्ड हम सिंपल एक डालते हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टाइम वन डाला मैंने। अगेन डालते हैं 6 टाइम 1, आपको रीवेरीफाई करना पड़ेगा पासवर्ड। ये पासवर्ड एनरोल हो गया। अब पासवर्ड से ओपन कैसे करना है, आपको डायरेक्टली पासवर्ड डालना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1 डाल दिया मैंने और ये हैश बटन प्रेस करना है। ये देखिए अनलॉक हो गया और फिर ये कुछ देर बाद लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कार्ड कैसे एनरोल करोगे। अगेन स्टार, सॉरी लाइटिंग ऑन करना है, स्टार बटन प्रेस करना है, एडमिन वेरीफाई करना है यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है। अब फिर से ऐड यूजर में जाते हैं, ऐड यूजर पे ओके करेंगे। अब हम आएंगे कार्ड पे, कार्ड पे ओके करेंगे और जो आईसी कार्ड इसके साथ मिला है वो कार्ड एक बार लगाएंगे यहाँ पे। ये एनरोल हो गया।
चलिए इसके बटन प्रेस करके हम बाहर आ गए। अब देखिए जैसे कार्ड दिखाओगे ये अनलॉक हो जाएगा। मैं थोड़ा गैप बना देता हूँ कि लॉक और अनलॉक आपको दिख पाए प्रॉपर। यहाँ पे देखिए वो लैच दिख रहा है, ये देखिए लैच अनलॉक हो गया, फिर अभी लॉक हो जाएगा। तो ये कार्ड जैसे दिखाओगे ये अनलॉक हो गया, फिर ये लॉक हो जाएगा। चलिए आपको अब दिखाते हैं कि कार्ड कैसे इनरोल करेंगे। सॉरी, एक फिंगर देख लेते हैं, यूजर फिंगर कैसे काम करता है। फिर से स्टार बटन, एडमिन वेरीफाई करोगे, यहाँ पे एडमिन का फिंगर लगाया मैंने। फिर से ऐड यूजर, ओके। अब चलते हैं हम फिंगरप्रिंट पे। अब ये मैं यूजर फिंगर ये बनाता हूँ, दो तीन बाहर आ गए। चलिए फिर से थोड़ा गैप बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे फिंगर लगाओगे अनलॉक हो गया, फिर ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया। अब आपको दिखाता हूँ कि आप रिमोट कैसे एनरोल करोगे। एनरोल करने के लिए स्टार बटन प्रेस करके होल्ड करना है। एडमिन वेरीफाई करोगे यहाँ पे देखिए नीचे जाना है आपको, नीचे नीचे और नीचे, और यहाँ पे देखिए रिमोट सेट का ऑप्शन आ रहा है। रिमोट सेट पे आप ओके करोगे। यहाँ पे देखिए ऐड और डिलीट रिमोट का ऑप्शन आ रहा है। आप मैक्सिमम 16 रिमोट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होगे 0/16, तो 0 यूज हुआ है, मतलब अभी कोई भी रिमोट ऐड नहीं है, और 16 के 16 आपके फ्री है, मतलब आप 16 रिमोट ऐड कर सकते हो। फिर ऐड रिमोट पे ओके करते हैं। फिर आपको जो रिमोट, ये सी रिमोट मिलेगी, इसके साथ रिमोट का बटन प्रेस करना है। ये सक्सेसफुली ऐड हो गया, आप बाहर आओगे। अब जैसे रिमोट का बटन प्रेस करोगे ये अनलॉक हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये लॉक वाला बटन प्रेस किया, हमें अनलॉक वाला बटन प्रेस करना था। ये देखिए अनलॉक हो गया, फिर ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया। अब डिवाइस के अंदर कुछ सेटिंग है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। स्टार बटन प्रेस करके होल्ड किया, एडमिन वेरीफाई किया, सॉरी फेल हो गया, मैं दोबारा, ये वेरीफाई हो गया। इसमें देखिए यहाँ से तो एडमिन ऐड होगा, यहाँ से यूजर ऐड होंगे, यहाँ से डिलीट हो गया यूजर जो भी है, ओके करोगे। यहाँ पे देखिए एडमिन डिलीट करना है, यूजर डिलीट करना है, वन यूज डिलीट करना है, टू थ्री जो भी डिलीट करना है आप सिलेक्ट करके ओके। यहाँ पे देखिए सिस्टम इन्फो है, सिस्टम ये डिवाइस का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप। यूजर कितने यूज हुए हैं, 3। अनलॉक रिकॉर्ड कितने हैं, 6। मैक्सिमम अनलॉक रिकॉर्ड कितने सेव हो सकते हैं, 250। यूजर कैपेसिटी 260 है, सॉरी 240। फिंगर यूज हुआ है 1, रिमोट यूज हुआ है 1, ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे बैटरी वॉल्यूम दिखा रहा है, अभी सप्लाई कितनी मिल रही है इसको, 5 पॉइंट समथिंग वोल्ट मिल रहा है। अनलॉक रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये सारे अनलॉक रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं कि इतने इतने बजे अनलॉक हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि ये देखिए रिमोट से अनलॉक हुआ है, फिंगर से, कार्ड से, कार्ड से, ये एडमिन वाला है, सॉरी पासवर्ड है, सॉरी बाहर आ गया मैं। और भी सेटिंग आपको दिखानी है इसमें। तो हम थे अनलॉक रिकॉर्ड पे। अब इसके नीचे जाओगे रिमोट सेट, रिमोट ऐड करना बता ही दिया आपको, यहाँ से रिमोट ऐड होगा, यहाँ से डिलीट होगा। सिस्टम सेट पे ओके करोगे, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, वॉल्यूम जो डिवाइस से आवाज़ आ रही है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लॉक डिले टाइम सेट कर सकते हो, और डोर डिले टाइम भी सेट कर सकते हो। वन टाइम पासवर्ड है यहाँ पे, आपको किसी को जैसे OTP होता है ना, तो इसमें भी वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, जनरेट होता है जो एक बार ही काम करेगा। तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ओके करोगे आप, इतने आप पासवर्ड वन टाइम पासवर्ड सेट कर सकते हो, 6। एक पासवर्ड में सेट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 मैंने यूज किया है। अब मैं 6 टाइम 2 यूज करके इसे अनलॉक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 मैंने डाला, हैज बटन डाला, ये अनलॉक हो गया। फिर इसे लॉक होने दीजिए,
अब आप दोबारा वो पासवर्ड यूज करोगे तो वो यूज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए वेरिफिकेशन फेल। तो ये वन टाइम पासवर्ड होता है। और भी कुछ सेटिंग है उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। हमने वन टाइम पासवर्ड भी देख लिया। इसके लिए अनलॉक टाइम, ये टाइम भी डाल सकते हो आप कि इतने इतने से इतने बजे तक ही अनलॉक हो। देखिए संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, जो भी टाइमिंग है आप डाल सकते हो। बस इतनी ही सेटिंग है इसमें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। गुड नाइट।